देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में गुजरात चुनाव में मिली रिकॉर्ड जीत के बाद आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष निमंत्रण मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल की उपस्थिति में गांधीनगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कैलाश और चिलोड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके तारा दीदी को मंच पर उपस्थित होने का मौका मिला। गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल को शपथ ग्रहण के बाद बीके कैलाश दीदी ने शुभकामनाओं के साथ शपथ ग्रहण करने की बधाई दी, जिसे भूपेंद्र भाई पटेल जी ने विनम्रता से स्वीकार करते हुए अपना शुक्रिया अदा किया। हरियाणा के फरीदाबाद में लगी IMT इंडस्ट्रियल एक्सपो 10 में नामी ग्रामी इंडस्ट्रीज ने भाग लिया। उनके बीच ब्रह्मा कुमारीज NIT सेवा केंद्र और बिजनेस इंडस्ट्रीज विंग द्वारा स्टॉल भी लगाया गया, जिसका अवलोकन करने वाले लोगों में से केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, DLF के प्रेसिडेंट JP मल्होत्रा, प्रसिद्ध डॉक्टर विश्वरूप चौधरी रहे, जिन्हें राजयोग शिक्षिका बीके पूनम ने बिजनेस इंडस्ट्रीज विंग द्वारा की जा रही सेवाओं की जानकारी देते हुए कहा कि आज कर्मचारियों एवं प्रोफेशनल्स में बढ़ते तनाव को लेकर ब्रह्मा कुमारीज राजयोग मेडिटेशन का प्रशिक्षण देती है, जिससे उन्हें तनाव से निजात मिल सके। ऐसे अमृतसर में लगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में अमृतसर सब जोन प्रभारी बीके आदर्श दीदी के मार्गदर्शन में हर साल की तरह इस साल भी बीके सदस्यों ने स्पिरिचुअल एग्जीबिशन लगाई, जिसका डिप्टी कमिश्नर हरप्रीत सिंह सुदन, विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता मनदीप आहूजा समेत हजारों लोगों ने अवलोकन किया। बीके सदस्यों ने लोगों को राजयोग मेडिटेशन के फायदे बताते हुए प्रशिक्षण लेने का सुझाव दिया। इसके साथ ही बीके सदस्यों ने एक जागरूकता नाटक का प्रदर्शन करते हुए व्यसन मुक्ति का संदेश दिया। दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र पर आयोजित आध्यात्मिक कार्यक्रम में कई सरकारी संस्थानों के अधिकारी शामिल हुए, जिसमें UPSC के संयुक्त सचिव डी राजीव कुमार प्रमुख रहे। उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि तनाव और अवसाद से मुक्ति का एकमात्र साधन राजयोग का अभ्यास है। इसके अलावा सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरजा और तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने राजयोग मेडिटेशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। मैंने ये देखा कि ये राजयोग मेडिटेशन से जब आप उस परमात्मा से जुड़ते हैं, आप अपनी क्वालिटीज को उससे जोड़ते हैं, आपका चरित्र परिवर्तन होने लगता है। वो चरित्र परिवर्तन केवल आपके लिए नहीं होता, सबसे पहले आपको अपना फायदा होता है, आपके शरीर को फायदा होता है, पूरा एनवायरमेंट चेंज होता है। मैंने ये देखा मेरे घर का पूरा माहौल चेंज हो गया और बच्चों के संस्कार चेंज होने लगे। मेरी श्रीमती जी भी सेंटर नहीं आती हैं, लेकिन वो फॉलो करती हैं। और मैंने अपने ऑफिस में पूरा माहौल चेंज किया। हम किसी को भी मिलेंगे, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हम सबको चमकती हुई बड़ी आत्मा देखेंगे। जस्ट लुक एट देयर फोरहेड, ये आत्मा के रहने का स्थान है, इसको भ्रकुटी कहते हैं। आत्मा जो ड्राइवर है इस बॉडी की, इसे देखें, कार में भी ड्राइवर कहाँ बैठता है, बस में भी चालक को कहाँ बिठाया जाता है, सबसे आगे। तो सबसे आगे कौन बैठा है, ये आत्मा यहाँ बैठी हुई है। तो हम हरेक को किस स्वरूप में देखेंगे, हम देह के भान में आना ही नहीं। हम भक्ति मार्ग में सुनते आए हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, लेकिन अनुभूति नहीं थी। तो यहाँ बाबा ने सिर्फ ज्ञान ही नहीं दिया, हमें उस चीज को अनुभव कराया, हमने किया उस चीज को, स्वीकार किया, अनुभव किया। उसके बाद जो उससे जो प्राप्तियां होती हैं, उन प्राप्तियों को भी हमने अनुभव किया। और बाबा ने कहा कि बच्चे इसका फल आपको कई जन्मों तक मिलेगा। बाबी मेरा स्वास्थ्य, बाबी मेरा स्वास्थ्य, बाबी मेरे बॉस। आवाज थोड़ी कम हो गई है, बॉस को भी मुझे अच्छी नीति भेजनी है। दोबारा से बोलिए, बाबी मेरे बॉस। ऐसे CBI कार्यालय में कई राज्यों के सब इंस्पेक्टरों के लिए तनाव उन्मूलन विषय पर वर्कशॉप आयोजित हुई,
डीएसपी आकांक्षा गुप्ता के निर्देशन में आयोजित इस कार्यशाला में बीके पीयूष ने तनाव से बचने के लिए रोल कॉन्शियस होने के बजाय सोल कॉन्शियस होने का मंत्र दिया। दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ फाइव एलिमेंट्स ऑफ नेचर। दिस इज पेरिशेबल, फिजिकल, but I am imperishable, invisible, metaphysical. गुरुग्राम स्थित हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रह्मा कुमारीज में पालम विहार सेवा केंद्र की प्रभारी बीके उर्मिल ने तनाव मुक्त जीवन शैली का प्रशिक्षण दिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के 40 SDO उपस्थित रहे और वर्कशॉप का लाभ लिया। ऐसे गुरुग्राम स्थित चिंटल्स पैराडीसो में IT प्रोफेशनल्स के एक गेट टुगेदर में बीके उर्मिल दीदी शामिल हुए। इस गेट टुगेदर में 25 लोग मौजूद रहे, जिनसे बीके उर्मिल दीदी ने IT प्रोफेशन में स्पिरिचुअल सर्विसेज को बढ़ाने के लिए चिट चैट की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में गीता पर 3 दिवसीय सम्मेलन में गीता विशेषज्ञ और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा दीदी ने गीता के महावाक्यों के आधार पर जीवन जीने की कला सिखाई। ब्रह्म है जो आध्यात्मिकता बुढ़ापे का है, एज में जरूरी है नहीं। आध्यात्मिकता हमें इस एज में जरूरी है जब व्यक्ति को अनेक प्रकार के डिप्रेशन से गुजरना पड़ता है, अनेक प्रकार से डिप्रेशन से वो गिर जाता है, इतने नेगेटिव विचार उसके मन में आते और उस नेगेटिव विचारों से बाहर निकलने का कोई रास्ता उसको नजर नहीं आता है, तभी वो अंतिम कदम ये सुसाइड करने का सोच लेता है, जीवन का अंत करने का सोच लेता है। इसलिए आज ये गलतफहमी को हम समाप्त करें अपने अंदर से कि आध्यात्मिकता बुढ़ापे के लिए है। नहीं, आध्यात्मिकता उस समय के लिए है जब हमारे जीवन में स्ट्रेस अधिक अनुभव होता है, जब हमारे जीवन के अंदर हर समय ये महसूस होता है कि एक दबाव मन के ऊपर बढ़ता जा रहा है, जब जीवन के अंदर भय महसूस हो रहा है, जब अनेक तरह के जिसको कहा जाए मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही है लाइफ के अंदर, आज रिश्तों में इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कितनी शादियां डिवोर्स में एंड हो रही है, क्यों कहेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग, आपसी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई, और ये अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हो पा रही है, क्योंकि एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। एक दूसरे को समझना तो दूर, क्या हम अपने आप को समझ पा रहे। छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा दीदी के मार्गदर्शन में आयोजित इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का प्रतिदिन सैकड़ों लोगों ने लाभ लिया। ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति प्रकाश से होती है, दिव्य तेज से होती है ये तीनों की। इसीलिए परमात्मा शिव को त्रिदेव कहा, जो तीनों देवों की भी उत्पत्ति करने वाले त्रिदेव है।